Mr. Hem Singh Bharana, the Minister. Mahan Chandnath Ji, Honourable Member of the Indian Parliament, Atlas Area South Asia and Malaysia. Maniya Maman Singh Ji, Maniya Shri Gyandev Ji Ahuja, Maniya Shri Jaswant Yadav, Maniya Shri Jairam Ji Jadav, Maniya Shri Banwari Lal Ji Yadav, Maniya Shri Ramhit Ji Yadav, Maniya Ji Singh. Ladies and gentlemen, thank you for Invite Complex. Yes, it's been a long journey from the 19th of August 2008. Yeah, you won't mind if I say a little bit in Hindi also. उस दिन सोचा गया था जब हम लोग अगस्त के महीने में 2008 के अंदर यहाँ इसका शिलान्यास करने आए थे और मुझे बड़ी खुशी पड़ती है और आज इतना विशाल रूप लेके पूरा हुआ है उसके लिए मैं सिंगापुर के सभी लोग जो काम करते हैं यहाँ जो यहाँ के अफसर लोग हैं उनको सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स सबके सामने यहाँ खड़ा हो गया है I was congratulating you all that in a short space of time, in the last 7 years, from August 2008 to now, you have come to make this huge world-class factory, which we, not just yourselves, which we also, with you, are so proud of. You just said that you had a dream. We also have a dream. We also would like to work towards setting up that dream. And we want to work with you to create that dream and make it come true. I think that we have managed to go a certain way, and I'm sure that this dream is going to culminate in the full picture that you have shown to me of that amazing glass factory that you intend to even later put up. कहना सिर्फ इतना ही था कि अभी तो कुछ ही आपने दिखाया था वो आपने अभी सबको दिखा दिया आपने भी सपना देखा है आपके साथ साथ हमने सपने राजस्थान के लोगों ने भी सपना देखा है हम लोग सब चाहते हैं कि वो सपना एक दूसरे के साथ चल के हम पूरा कर सकें और उसको पूरा करने के लिए आपने शुरुआत की है उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ परंतु उसके साथ साथ मैं ये विश्वास करती हूँ पूरा नहीं हुआ है उसको पूरी तरह से आप जमीन पे लाके और इस क्षेत्र को ही नहीं राजस्थान को अनुग्रहित करेंगे इसकी खुशी हम सबको होगी दिस इज अ मेजर प्रोजेक्ट नॉट जस्ट फॉर कंट्री आई एम वेरी प्राउड to be one of those states which you are going to be representing. यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेन गोबेन एक बहुत बड़ी विश्व की कंपनी है उनके हजारों ऑफिसेस पूरे दुनिया के अंदर हैं हमारे राजस्थान के अंदर जब उन्होंने कोटा किया है तो उसके साथ साथ गुजरात में भी है उनका चेन्नई में भी है उनका बैंगलोर में भी है और उनके दूसरे चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग का काम केरल के अंदर भी है और शायद कौन सी जगह 7 जगह पे हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों ने पुटअप किया है आई वाज जस्ट टेलिंग देम दैट दिस इज अ ह्यूज कंपनी विद ऑफिसेस अक्रॉस द वर्ल्ड मोर देन 1000 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसी फैक्ट्री के अंदर अभी यहाँ हुआ है यू हैव इन्वेस्टेड 1000 करोड़ इन दिस फैक्ट्री And you are going to be going ahead to create the large facility that we're talking about, which is going to make us all in Rajasthan extremely proud. Make in India is the big slogan. The Prime Minister has brought this to the forefront of national initiative. He has made it very clear to us that things have to happen, but we don't have to stand in front of anybody. We have as much to give. We would like to be partners with our people who will go along with us from other countries and in this country to create partnerships, to create employment and revenue generation within the country itself. I'm very happy to see that that partnership is coming to fruition with yourselves. एक पार्टनरशिप है हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया की बात की है उस मेक इन इंडिया की बात को हम पूरा करना चाहेंगे और उस मेक इन इंडिया का एक अच्छा कदम अभी पिछले बार तो आपने देखा था आपके क्षेत्र में मैं आई थी आपके पवन गुंजाल जी के हीरो होंडा के अंदर उसके पहले जापानीज के होंडा के अंदर और आज सेन गोबेन के
फैसिलिटी में और कुछ ही दिन के अंदर यूनाइटेड किंगडम की जेसीबी की कंपनी के अंदर जो 14 नवंबर को हम लोग राजस्थान को समर्पित करेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, मैं समझती हूँ कि बहुत सारा इसका एक स्पिन ऑफ जिसको कहते हैं वो हमारी जनता को यहाँ मिलेगा। I just said to them that apart from all of this, we have, which you are taking a great deal of interest in, not just doing it as a CSR, but actually strengthening that partnership still further by creating situations of water, of educating people, of basically skilling our youngsters, and which is very, very important. I'm delighted to know that of the 600 or 700 people that you have over here, almost half of them will be coming from Rajasthan. Also very excited to see the way that you have set up the robot which picks up the glass. I think the first time in Rajasthan that people are going to be seeing something like this. I'm sure that it's going to take itself to its logical conclusion. I would only like to add over here that this would not have been possible without my very, very energetic team. And for that, I must thank Mrs. Veenu Gupta and her team that have put themselves out over this period of time. They have worked extremely hard. Believe you me, that this is your company, but it is theirs as well, because they have worked for it as hard as you would have to put it up. It's a feather in their cap, and I congratulate her and her whole very active team for putting it all together to create this very warm atmosphere for setting up of these industries which I have just named in Rajasthan and in this area. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ वीनू गुप्ता जी को, उनकी टीम को, जिन्होंने लगातार लग के और इन सब की मदद करते हुए आज इस सपने को पूरा करने में एक बहुत बड़ा हाथ दिया। उनके और उनके टीम को हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हैंड टू यू। But you, Your Excellency, you and I don't have just this partnership in tourism, because everybody talks about the French interest in Rajasthan, and everybody knows that the largest tourism footfall in Rajasthan is that of the French. I'm very happy to see that that has now been supplemented by the strong and vigorous industrial arm. So it's not just about tourism, but it's now also about industry, and we are going to be able to see this well-rounded relationship mature in the time to come. यानी कोई क्या कहा कि अभी तक पर्यटन के अंदर आपके नोदवाद देना चाह रहे थे कि खाली पर्यटन के अंदर ही नहीं, परंतु अब इंडस्ट्री के तौर से भी पूरी तरह से सपोर्टिव आर्म का हमारे सामने आ रहा है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि एक बहुत वेल-राउंडेड पार्टनरशिप हम लोगों का आपके सामने, राजस्थान के सामने आएगा, जिसका भविष्य में हम लोगों को फायदा मिलेगा, यही विश्वास। और धन्यवाद के साथ मैं आप लोगों को, सबको जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो इसका अलवर के अंदर भी, आप हमारे राजस्थान के अंदर भी, इस फैक्ट्री के द्वारा बहुत अच्छा काम करेंगे और राजस्थान के गौरव को बढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। I just said to them, I thank you all very much for creating this partnership, and this well-rounded partnership will continue to grow. I'm sure all of the people who are on the floor at this moment will together create a factory that will not just be the pride of a few people sitting over here, but the pride of our state, Rajasthan, will fly the flag of Rajasthan in the rest of the country. So, with a lot of thanks to you, and all of you who have come to join us for this day, thank you all very, very much. To you, Your Excellency, to all of you from Saint-Gobain, thank you very much. To our Member of Parliament and to the Minister, and to Veenu for having put this thing together, thank you all very, very much.